सप्ताह में एक बार बस्ती एनिमा अवश्य लेना। मैं भी महीने में एक बार ले लेता हूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ना बस्ती से कभी भी जिंदगी में वात रोग नहीं होंगे। वात कहां से पैदा होता है? अब तुम बहुत पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बड़े होशियार हो, वात रोग ये दर्दे कहां से पैदा होती है? ऐसे बोल तो देते हैं ईएसआर बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, आर इफेक्टिव, सीआरपी, एएनए, एवीएन, एचएलबी 27, और ये जो एएनए, एवीएन और जितने भी ऑटोमेन डिजीज है ये सब वात रोग है। पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये वात रोग है। मन बहुत अशांत चंचल रहता है, ये वात रोग है। सारा शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जो दुख रहा है, ये सब जो पेन देने वाले तत्व है ना, ये सब वात से पैदा होते हैं। तो व्हाट इज द कोज ऑफ वाता, वात रोग पैदा कहां से होते हैं बोलो, क्यों होते हैं? कुछ कहेंगे तो जेनेटिकली होंगे, 90% लोगों को तो जेनेटिकली नहीं होते, और कम उम्र में तो होने ही नहीं चाहिए जेनेटिकली। हमारा मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्कर से गड़बड़ होने से, जो बस्ती कर लेंगे उनको वात रोग नहीं होंगे। कफ कहां से होते हैं? कहते नहीं इसकी नाक बड़ी बड़ी है, ये नाक गड़बड़ होने से कफ रोग यहां से शुरू होते हैं, फिर यहां से जाते हैं, फिर यहां तो अभिव्यक्त होते हैं, यहां एक्सप्रेस होते हैं। एक्सप्रेशन, अब भूख कहां लगती है? दिमाग में। एक्सप्रेस कहां होती है? पेट में। वात पैदा होते हैं मूलाधार से, एक्सप्रेस होते हैं पूरी बॉडी में, सारी जॉइंट्स में, सारी नसनाड़ियों में, 33 वर्टिब्राज में वात एक्सप्रेस होता है, वहां से तो अभिव्यक्त हो रहा है। कफ, तो जो नस्य कर लेंगे उनको कभी कफ रोग नहीं होंगे। स्नोरिंग स्लिप, एपनिया, कफ, कोल्ड, अस्थमा, दमा, स्नोरिंग स्लिप और बाकी तमाम तरह के। और पित्त रोग, पित्त रोग होते हैं पित्ताशय से, उसके लिए वमन करवाते हैं आपको। वमन करने वाले को कभी पित्त नहीं होगा, नस्य करने वाले को कभी कफ नहीं होगा, और बस्ती करने वालों को कभी वात नहीं होगा। और प्राणायाम तो करते ही कपालभाति कर रहे हैं, ये तो प्राण के ऊपर सीधा प्रभाव करते हैं, छोटी छोटी बातें।